नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला सचिवालय में, जहां पर जो है सकल जैन समाज की ओर से विरोध आंदोलन किया जा रहा है। जिस तरीके से पारसनाथ को जो है स्थल बनाया जा रहा है, पर्यटन स्थल, जिसकी एवेज में जो है तमाम जैन समाज के तमाम जो लोग हैं यहां पर मौजूद हैं। और आप सभी को जानकारी दे दें कि जिला सचिवालय की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। हजारों की संख्या में आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जैन समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर जो है जिले सचिवालय में कूच करती हुई नजर आ रही है। और जानकारी दे दें कि किस तरीके से जो है तमाम जो लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, महिलाओं की बात की जाए तो इस तरीके से समाज में जो है तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल बनने के बाद जो तीर्थ गरिमा होती है, जो तीर्थ का मनोबल होता है, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है। तो तमाम जो लोग यहाँ जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, कतार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां तक आप अपनी आवाज दौड़ाएंगे, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, वहां तक आप लोगों को तमाम जो लोग हैं यहाँ पर दिखते हुए नजर आएंगे। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि तमाम महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, तो हजारों की संख्या में आज जैन सकल समाज के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो किसी की भी बात की जाए, वो यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि सकल सैन समाज के लोग जो हैं एसडीएम को मौके पर ज्ञापन देने के लिए यहां पर पहुंचे। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि आज जो है ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जो है समय शिखर को बनाने का काम किया गया था, उस पर जो है रोष प्रकट करते नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। स्थल की जगह उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। उन्होंने रिकमेंड करके मोदी सरकार जो सेंटर में बैठी हुई थी उसको भेजा। मोदी सरकार ने भी तीर्थ क्षेत्र की जगह उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। अब जो जब जैन समाज को पता लगा, जैन समाज हर लेवल पर अपना अपना विरोध प्रकट कर रही है, जिसके कारण हर जगह, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जैन अपना प्रदर्शन सड़कों पर आ रहे हैं। जबकि जैन जो सिर्फ अहिंसा के प्रचारक है, अहिंसा के पुजारी है, किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हम सरकार से यह निवेदन करते हैं कि हमारा पर्यटन तीर्थ क्षेत्र हमें वापस दिया जाए। वहाँ पर झारखंड के अंदर आदिवासी वो जो लोग हैं वहाँ पर पहाड़ों पर जा चुके हैं, उसके अंदर में वहाँ पर मांस मदिरा सब कुछ का सेवन कर रहे हैं। हमारे जो तीर्थ क्षेत्र यात्री जाते हैं, रात को दहशत होती है, क्योंकि यात्रा जो रात को ही शुरू होती है वहाँ पर, जिसके कारण जागृत वहाँ पर जैन जो है अंदर के दहशत में रहते हैं, उतरते हुए भी कुछ नहीं पता लगता, कब निकल के साथ हो जाते हैं। पवित्र दरा है, पवित्र दरा है, इसको हम किसी भी शोक में नहीं देंगे। अभी तक हम लोग अहिंसा का प्रचार, अहिंसा के काम कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारा अहिंसा का नहीं मार्ग अपनाया तो हम लोग 15 दिन विरोध महीने पर कहीं अपने काम धाम बंद कर देंगे। सरकार को भी मालूम होना चाहिए, सरकार जैन जो सिर्फ 0.3% है, 24% का टैक्स देते हैं, और सरकार के पास अगर रेवेन्यू ना पहुंचा तो सरकार भी क्या करेगी। मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम जैन समाज है, अहिंसा का प्रचारक है, लेकिन इस तरीके से सरकार अपना मुनाफा कमाने के लिए तमाम जो हजारों करोड़ों जैन हैं उनकी जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाती नजर आती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये शाश्वत तीर्थ है हमारा, दिगंबर जैन, सितंबर जैन, हर पंथ का ये एक शाश्वत तीर्थ है, इतना पूजनीय है जितना आप मक्का मदीना समझते हो, जितना आप काशी समझते हो, उससे भी अधिक ये हमारा तीर्थ स्थान है। कनकन हमारा यहाँ पर पवित्र है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और कोड़ा कोड़ी मुनि यहाँ से मोक्ष गए हैं। अब क्या सरकार ने इसे पर्यावरण वन पर्यटन स्थल तो घोषित कर दिया है, जिसके कारण वहाँ शराब मदरा जूते पहन के जाते हैं। हमारे जैन तो जो 27 किलोमीटर की यात्रा है वह भी नंगे पैर करते हैं, पानी तक जल भी ग्रहण नहीं करते जब तक यात्रा पूरी नहीं हो जाती, और वहाँ पे माद मसरा मोटरसाइकिलें और सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। इस समय पवित्रता खोने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि पवित्रता बनी रहे। ये जो जैनियों का तीर्थ क्षेत्र है, पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ से 20 तीर्थंकर कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए हैं, उसकी पवित्रता को कायम किया जाए, और ये पर्यटन क्षेत्र जो घोषित किया गया है उसको अध्यादेश को
वापस लिया जाए। जी हमारे साथ आप मौजूद हैं, कहेंगे ना कहेंगे कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अंग ही जैन धर्म माना गया, क्योंकि परिकांड पर अहिंसा का प्रमुख धर्म माना गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के द्वारा, वो भी मोदी सरकार के द्वारा, इस तरीके का कार्य किया जा रहा है, कितना कार्य? देखो जी, मेरा तो यहाँ आने का कारण है इस भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के लिए जैन धर्म ने हमेशा तन मन धन से सहयोग किया है। सरकार यदि ये सोच रही हो कि भाई ये जैनियों का विषय है, समस्त हिंदू समाज इसके लिए तन मन धन से खड़ा होगा, और मुझे लगता है कि ऐसे सभ्य और शिष्टित समाज की बात को सुनना चाहिए। और जैन समाज से भी निवेदन है कि वो अकेला ना समझे, ये पूरा भारत आपके साथ खड़ा है और हम किसी भी स्थिति में जैन समाज के साथ हैं और ये एक ही अंग है और हम इसको तीर्थ ही रहने देंगे, इसको किसी भी प्रकार से उसको पर्यटन केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसा अपना संकल्प। जी हाँ, तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे। आज यहाँ पर पहुंची हैं जिला सचिवालय में सम्मेलन शिखर, किस तरीके का कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम आप? जी हम यही कहना चाहेंगे, हमारा सम्मेलन शिखर जी हमें वापस चाहिए, एक ही हमारा तीर्थ स्थान है जो हमारी यात्रा के लिए है, वो हम पर्यटन स्थल नहीं बनने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी आप लोग जाते हैं वहाँ पर, मांस मदिरा का सेवन किया जाए, जूते चप्पल का सेवन किया जाए, पेट्रोल तो दूषित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कड़े नियम बनाने चाहिए सरकार को कि कहीं ना कहीं बिल्कुल कड़े नियम बनाने चाहिए। अभी जैनियों की तरफ से वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, हम नंगे पैर वहाँ से यात्रा करते हैं, हम लोग बिल्कुल भूखे प्यासे रह के यात्रा करते हैं, और ऐसी जगह पर मांस मदिरा जैसी चीजों का प्रयोग हम कभी नहीं होने देंगे। जी हमारे साथ कुछ और महिला मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन। अनीता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी, जैन धर्म जो है अहिंसामय धर्म था? जी हाँ, अहिंसामय धर्म है, जैन लोग इतने बिजी हैं, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो आज वो सड़कों पर उतरे हैं सिर्फ अपने समय शिखर के कारण, जिस तीर्थ पर हम बिना कुछ खाए सुबह 4 बजे से यात्रा शुरू करते हैं, बिना कुछ नंगे पैर, जहाँ पर कुछ भी खा पूरा दिन कुछ खाते पीते नहीं, वहाँ पर लोग जूते चप्पल पहनकर मांस मदिरा खाते हुए, लड़के लड़कियाँ उछलते गाते, वो जिस तरह से जाते हैं हमारे पवित्र की मतलब पवित्रता, हमारे तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को बिल्कुल खत्म कर, बहुत ज्यादा अशोभनीय है, बहुत ज्यादा अशोभनीय कार्य है ये। इतना हमारा इतना बड़ा समय शिखर, इतना पवित्र तीर्थ स्थान है, उसको पर्यटन स्थल बनाकर उसकी बिल्कुल पवित्रता को ये भंग कर रहे हैं। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जिला सचिवालय में हजारों की संख्या में जैन सकल समाज के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे थे, ज्ञापन देने का मामला जो है सामने आया था। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप सभी से अनुरोध है वीडियो को शेयर करें, ताकि हरियाणा सरकार के साथ साथ राज्य की भारत सरकार और तमाम झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है, उनके कानों तक जो ये बात जाए, और कानों तक बात जाने के ना मक्षिमा जैन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना, हम सब इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम अपने तीर्थ स्थान शिखर जी को बताना चाहते हैं, क्योंकि यह इकलौता तीर्थ स्थान है, और हम सब आज सब जैन इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से सेक्ट के हैं, हम सब आज इसलिए आए हैं क्योंकि हमें अपने शिखर जी को बचाना है, और हम यहाँ पे किसी और जाति का अधिकार नहीं होने देंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आज का? हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है समय शिखर जी, जो झारखंड में है, जिसे हम बचाना चाहते हैं, वहाँ पर्यटन स्थल बनाने की बात हो रही है, जो हम कतई नहीं चाहते हैं, तो हम सब उसी के अगेंस्ट यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम उसे बचाना चाहते हैं। प्रयास कर रहे थे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, और कहीं ना कहीं इस पूरे विषय में जानकारी देते नजर आए। मेरे सभी से पहले जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा था, शेयर जरूर करते रहेगा। तो हम उसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे अभी 24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।